वसुदेव सुतं देवं कंस चारु सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वैशे विभूषितकरान्नवनीतदाभात् पीतांबरावरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो परमात्मने नमस्तु गोविन्दाय नमो नमः श्री चरणकमले बोलो नारायण क्या सुना एक भगवान ही याद रखना देखो भाई आपने जो मानी हुई एक मेघ था है वो छोड़ दो तो स्वतः सिद्ध एक मेघ का प्राप्त है आपकी मानी हुई जो एकता है अब उसको आप न मानो तो स्वतः सिद्ध एकता स्वतः सिद्ध है वो स्वयं सिद्ध है वो सिद्ध हो जाएगी आप सब तो अब विचार ये करना है
कि हमारी मानी हुई एकता क्या है। नारायण 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 सबके अनुभव की बात। आप हम सब भाई बहन जितने सबकी सृष्टि होते हैं, एक दिन वो था जो अपने को मानते थे कि मैं बालक हूँ जो बच्चा हूँ मानते थे, इसे मान ले कि मैं जवान हूँ, इसे मान ले मैं बूढ़ा हूँ, उसके साथ साथ कितना मान लिया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, पंडित हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं बेसमझ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, मैं रोगी हूँ, ऐसे जो माना ये है मानी हुई एकता। अगर मानी हुई न होती तो बद्र कैसे मिली। खूब ध्यान देकर देखा कि ये अनुभव की बात है। अपने को रोगी मान लिया, अपने को निरोग मान लिया, अपने को मूर्ख मान लिया, अपने को पढ़ा लिखा मान लिया, तो अपने साथ में बालक पढ़ा, जवान पना, बुद्धा पना, रोगी पना, निरोग पना, विद्वत्ता, मूर्खता अपने पकड़ी, तो ये मानी हुई एक तो संदेह ने मानी हुई एकता आप न माने तो आपकी एकता परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध है, वो अनुभव मानकर, और मानी हुई पकड़ी हुई एकता को आप नहीं छोड़ोगे तो परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध एकता है उनका अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आपने दूसरी बात मान ली पकड़ ली। और एक बात है कि जिस लोग मांगना आता है उसको मैं मांगना भी आता, एक बार पकड़ने में आती है तो इसका त्याग करना भी आपको आता है। जैसे आप समझते थे मैं कुमारा हूं और विवाह होने पर मैं तो विवाहित हूं, ये मान्यता बदली ना, और बदलने पर आपकी इतने पकड़ जोरदार हुई कि रात्रि में गाढ़ नींद में सोते हुए जगा करके पूछे तो मैं विवाहित हूँ यही कहोगे, मैं कुंवारा हूँ यही कहो, अचानक तो विवाहित नहीं कहोगे, तो पकड़ी हुई एक तो आपकी इतनी पक्की है, और बदलना उसको आता है तभी तो मैं साधु हूँ ऐसा समझाऊंगा, नहीं तो कैसे समझाऊंगी। ये हमारी बहना कहती मैं तो कुंवारी हूँ करके मैं विवाहित हूँ, इसके बाद विधवा हो जाती है तो मैं विधवा हो गई, तो मैं विधवा हूँ सपने में भी देख रही असर पूछो तो मैं विधवा हूँ, तो आपने एकता मानी उनके साथ में और बदलती है, ये बात भी आप जानते हो, तो वही बदलना है। अगर भगवान के साथ कर दो तो असली चीज हो जाए, अभी तो बदली हुई दी गएगी परंतु वो बिजली बदली हुई नहीं वो है, क्योंकि गीता ने कहा मम ही वांसो जीव लोगे जीव होते सनातन, ये अनादि काल से जीव मेरा ही अंश है,
तो जिसका अंश है उसका आप मान लो तो वो सिद्ध क्यों नहीं होगा? वो तो है, नहीं होता हुआ भी आपने एक भाव स्वीकार कर लिया, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं विवाहित हूँ, ऐसा स्वीकार कर लिया वो सिद्ध हो गया। तो है वो स्वीकार करने से सिद्ध क्यों नहीं होगा? उसमें भी इतनी विलक्षण बात है कि जो संसार की एकता मानी है ऐसी परमात्मा के साथ एकता माननी नहीं पड़ेगी। मानी हुई छोड़ने से वो स्वतः सिद्ध होगी, वो सदा रहने वाली एकता तो है वो, ये है नहीं, ये थी नहीं पहले और फैलेगी नहीं। ये आप भाई बहन कोई भी बिल्कुल कम से कम समझता हो वो बोले क्या ये एकता रहेगी? कम से कम समझने वाला भी अगर थोड़ा सा विचार करे तो ये समझ जाएगा कि ये एकता रहने वाली नहीं है। बोलो भाई संदेह हो, कितनी दिन आपने मान ली और केवल मानी हुई है, इसमें कोई है तो आप बताओ, अगर वास्तविक है तो बताओ, सिवाय मान्यता के और क्या है? स्वीकृति है आप, स्वीकार कर लिए, अंगीकार किए को अनंगीकार ना करे ऐसी बात आती है। तो आपने स्वीकार कर ली, इस अस्वीकार कर लो तो अस्वीकृति हो जाएगी। जैसे मैं कुंवारा हूँ ये मान्यता थी, उसको अस्वीकृति कर जाएगी, मैं विवाहित हूँ तो फिर मैं कुंवारा हूँ ये नहीं जाएगी, अस्वीकृति होगी। ऐसे आप साधु बन जाओ तो कह देते मैं तो साधु हूँ, तो साधु हूँ तो फिर वो मैं साधु हूँ ये ऐसी पक्की रहेगी, कभी छूटेगी नहीं, नींद में भी कोई जगा ले अचानक तो सपने में भी अपने को साधु देखेगा क्या? ठीक है ना? ऐसे इसमें अगर पक्का आप विचार कर यार कि मैं वास्तव में शरीर नहीं हूँ, शरीर आप कहो तो आप बालक हो, जवान हो, बुद्धे हो, क्या शरीर बदलता है? आप बदलते रहते हैं, और बदलते रहने की वाली चीज सच्ची नहीं होती, सच्ची है वो बदलती नहीं, ना भाव बीतते सतत, सत का अभाव नहीं होता। आप ध्यान देखो इसमें, और इसमें जो शंका हो अभी पूछ सकते हो, मैं तो लिख लो फिर पूछ लेना। अब इसमें बदलने वाला क्या है, न बदलने वाला क्या है, ये दो चीज है। मैं हूं ये दो अक्षर, एक मैं हूं एक हूं, तो मैं है ये है प्रकृति का अंश, हूं है ये है परमात्मा का अंश। महाभूता निहंकारो बुद्धि रद्दत्तमेव, इसमें महाभूता ने अहंकार आया, अहंकार मैं तो नहीं, अहंकार भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि होते अहंकार इति यमे बिना प्रकृति रस्तरा। ये आठ प्रकार की प्रकृति है, अपरा ये अपरा प्रकृति है, और इतस्तु अन्याम इससे एक दूसरी है वो परमात्मा की परा प्रकृति है जो जीव रूप है, जीव रूप है वो उत्कृष्ट प्रकृति है भगवान की परा, ये अपरा। तो मैंपन है ये अपरा प्रकृति का अंश, और वोपना है ये परा प्रकृति प्राप्रकृति परमात्मा का अंश।
ममई वायसो जीव लोके जीव भूत सनातन मन सत्ता इंद्रिया ये हुआ प्रकृति का और वो परमात्मा मन सत्ता इंद्रिया ने प्रकृति स्थानी कर सकी इसको ये पकड़ता है तो प्रकृति स्थानी प्रकृति में स्थित रही ये आत्म कभी आई नहीं मन सत्ता में अहम आत्म नहीं आई आप तब अहम नहीं पहुंचता आप अहम के प्रकाशक हैं अहम के आप ज्ञाता हैं ये समझवाती हूँ अहम वृत्ति मैं हूँ इस मैंपन को आप जानते हो ये जानने में आने वाली है ये किए है जानने में आने वाली आप स्वयं जानने वाले हो इदम शरीरम कौन थे क्षेत्रम इदम अमूल्य इदम और एतद यो व्यक्ति एतद यो व्यक्ति इसको जो जानता है उसका नाम क्षेत्र ये है इदम और एतद ये जो दोनों शब्द है व्याकरण की दृष्टि से इदम शब्द है वो अंगुली निर्देश में आता है एतद शब्द है बहुत नजीक का है एकदम दूर का है और एतद बहुत नजीक का ये तो एकदम शरीर रहा सब और एतद रहा अहम एतद यो व्यक्ति इस अहम को जो जानता है अहम भी जानने में आता है जैसे थंडाव हमारे देखने में आता है ऐसे ये शरीर इंद्रिया जानने में आता परंतु एकद करके अहम है वो भी जानने में आता है अगर जानने में नहीं आता तो अहम है इसमें क्या पता किसी ने बताया है क्या अहम को किसी ने सिखाया है क्या बताओ आप स्वयं अहम को जानते हैं मैं हूं ऐसे मैंपन को आप स्वयं जानते हो किसी सिखाया नहीं है सच्ची बात है ना मैं हूं तो ये मैंपन आप जानते हो उस मैंपन के साथ में घुल मिल जाते हो ये गलती होती है ये माना हुआ संबंध है ये मानी हुई एकता है अहं के साथ में आत्म आपकी स्वतः एकता नहीं है स्वतः एकता किसके साथ है कि एतद यो व्यक्ति उसका नाम हुआ क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ साथी माम विद्धि क्षेत्रज्ञ है उसकी एकता माम के साथ है परमात्मा के साथ है अहं की प्रकृति के साथ एकता है और आपकी खुद की परमात्मा के साथ एकता है उसने भगवान कहते बुद्धि तू समझ इस बात और सर्व क्षेत्र वो मैं ईश्वर सर्वभूता नाम देवी सर्वस्व चाहम विसन्निविष्ट सबके हृदय में सन्निविष्ट हूँ सब में बात तो उसके साथ में क्षेत्र की साथी माम विद्धि सर्व क्षेत्र सब क्षेत्र जो है परमात्मा उसके साथ इस क्षेत्र की एकता है अब क्षेत्र के साथ एकता हुई और इधर और एक की एकता हुई ये दोनों को हुआ क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम ऐसा है जब तक ज्ञान मत मान मेरे मत में ज्ञान है पूरा अब 13वां 14वां दो अध्यायों में विवेचन हुआ है वो पूरा हो गया अब इसकी व्याख्या हो गया पर बात इतनी तो मैं परमात्मा के साथ एक हूँ ये जो अपने अनुभव करना चाहते हैं तो आपने मान करके एकता करी है उस मान्यता को आप छोड़ दो ये एकता स्वतः सिद्ध आपके अनुभव में आ जाएगी
आधा काम करना, परमात्मा के साथ एकता करना नहीं है। जो मानी हुई एकता को बचाना है वो करना नहीं पड़ेगा, पीछे भी सकेगा। केवल मानी हुई एकता को छोड़ना है, और वो छोड़ते हो, मैं बालक हूं, वो बालकपन छोड़ दिया है, आपसे छूटता चला जाता है। आपका माना हुआ आप अकेले का है, शरीर का नहीं है। और परमात्मा के साथ एकता है, वो परमात्मा की है, मानी हुई नहीं, जानी हुई है। मेरा ही अंश है, मम एव अंश, ममांश नहीं का, मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है, वो है परमात्मा का। आपकी जो क्षेत्र के साथ एकता ही मानी हुई, क्षेत्र के साथ अहम है, ये क्या है? अहम भाव है। यस्य नाहं कृतो भावो, जिसके ये अहंकृत भाव नहीं है, अहंकृत भाव को छोड़ने। और बुद्धि यस्य न लिप्तते, बुद्धि जिसकी लिप्त नहीं होती, ये धन मेरा है, घर मेरा है, परिवार मेरा है, संपत्ति मेरी है, यह है बुद्धि का लेप, बुद्धि का चिपकना। भगवान कहते हैं नमाम कर्माणि लिप्यन्ते, मेरे कर्म लिप्त नहीं करते, मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता, ये लिप्त होता। तो यस्य नाहं कृतो भावो और बुद्धि यस्य न लिप्यते, महात्मा क्या बताएगा, हत्वा भी से मान लो, इतने संसारी लोग है, सबको मार ले तो न मारता है और न बंधता है। मारता है अहंकार नहीं, और बंधता है लिप्तता नहीं। कितनी सीधी बात है, वो मान्यता कितनी आपने पकड़ रखी है, विरुद्ध विरुद्ध मान्यता पकड़ रखी। आप बेटे के सामने जाते हो तो कहते मैं बाप हूँ, और बाप के सामने जाते हैं कहते मैं बेटा हूँ। आपको कुछ आप सच्ची बताओ, बेटा हो बाप हो क्या? तो आप नहीं हो, ना बेटा हो ना बाप, अपेक्षाकृत हो। पिताजी की अपेक्षा आप पुत्र हो, अपने पुत्र की अपेक्षा आप पिता हो, स्वतंत्र आप पिता पुत्र नहीं हो। ऐसे मैं यह हूँ तो शरीर को लेकर आप ये हो, शरीर को नहीं लो तो आप ये नहीं हो। तो ये मान्यता आपकी टिकती नहीं, निरंतर आपसे अलग हो रही है। पर अलग होती हुई को भी आप पकड़े रहते हो, आश्चर्य की बात, बड़े भारी आश्चर्य की बात है। संबंध ही नहीं रहता और संबंध रहता, कितनी आश्चर्य बात। संबंधी वस्तु है, ये मेरी है, ये वस्तु नष्ट हो गया फिर मेरी रहता है। अरे वस्तु के अधीन संबंध है, परंतु संबंध जाने पर भी संबंधी रहता है, संबंधी जाने पर भी संबंध रहता है। जैसे कोई बहन माता पूरी विधवा होगी और पति के मिलने की संभावना है, 20 वर्ष हो गए शांत में और मिलने की संभावना है, फिर भी अमुक की स्त्री वो संबंध वैसा हो सकता क्यों है कि जो जिसके साथ संबंध रखा वो तो था नाशवान, नाश हो गया। संबंध आपने पकड़ा है, आप अविनाशी, आपने पकड़ लिया तो वो भी अविनाशी। आप मामूली नहीं है, आप अपनी कीमत नहीं समझते, संबंध को लेकर कीमत समझे। धनवान तो आप बड़े हो जाते हैं, धन नहीं तो आप छोटे हो जाते हैं। बताओ, आगंतुक वस्तु से आपका मूल्य नहीं है,
आपका मूल्य वास्तु में आपका मूल्य बड़ा भारी है, साक्षात परमात्मा के अंश हो जिससे संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है, पालित होता है, नष्ट संग्रहित होता है, उसकी साक्षात अंश कितने बड़े हो, परंतु अपना मूल्य धन के कारण मानते हैं। जो कि सामने आता है सामने जाता है, ठीक है नहीं, तो उसके साथ घुल मिल करके अपना मूल्य मानते हो, ये ही बड़ी गलती है। तो ये क्या, ये तो स्वांग है। स्वांग समझो, जैसे नाटकों में खेल पीने में स्वांग भरता है, हरिश्चंद्र बन गया तो हरिश्चंद्र का स्वांग करो, स्वांग गोपाल, पर अपने को हरिश्चंद्र मत मानो, नहीं मानते। अरे वह काम सब वही करके उसी नाम से सब काम करते हैं, पर करते हुए भी होश रखते हैं कि मैं हरिश्चंद्र नहीं हूँ। ऐसे आप मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, भाई हो, बहन हो, सदवा हो, विधवा हो, कुआरी हो, जो है ये सब स्वांग है। आप ये रहेगा ना, स्वांग तो रहते हैं, ये तो आपने पकड़ा है। पकड़ा हुआ स्वांग है तो व्यवहार में स्वांग के अनुसार से बर्ताव करो, परंतु इसको मान मत लो। अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहम से मोहित अंतकरण हो गया, मैं करता हूं ऐसा मान लेते। करता कौन है, तो प्रकृति करता है। प्रकृति के द्वारा क्रिया होता है, करता है प्रकृति। अब कहे तो आप मेरे को मूर्ख बता सकते हो, अनजान बता सकते हो, प्रकृति कैसे करता हूं। गीता में लिखा है, मैं प्रकृति कर्माणी क्रियमाणानी पुरुष, प्रकृति क्रियमाणानी गुणी, प्रकृति के द्वारा होता है, प्रकृति के गुणों के द्वारा होता है। इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रिया ही इंद्रियों का अर्थ वर्तन्ते, तो कर्ता कौन हुआ। प्रकृति है गुणी क्रियमान, तो प्रकृति के गुणों के द्वारा क्रिया हो, और प्रकृति कर्मान क्रियमान, अरे गुणा गुणेशु वर्तन्ते, तो इनमें कर्ता कौन हुआ। इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, तो कर्ता कौन हुआ। इंद्रिया हुई, गुण हुई, प्रकृति हुई, और व्यतिरेक से बताया गया नान्य गुण कर्तारण, जिस कारण में ये दृष्टा गुणों की सिवाय अन्य कर्ता को नहीं देखता, कि बिल्कुल गुण ही करता है, मैं त्रिकाल में कभी करता नहीं हूँ। तो ये सिद्धांत को बढ़ा, अरे गुणे व्यस्त परम देव गुणों का प्रकाश रहा हो, आप भूल गए प्रकृति के प्रकाश को प्रकृति नहीं हो, क्रियाओं इंद्रियों के प्रकाश को इंद्रिया नहीं हो, गुणे व्यस्त परम व्यक्ति अपने आप को जाने मधुभाव से अधिगच्छति, वो भगवत भाव को प्राप्त हो जाता है। अधिगच्छति आपको वहां जाने के लिए परिश्रम नहीं बताया, गुणे व्यस्त परम व्यक्ति तो बताया, ये तो आपको जानना है, परंतु मधुभाव से अधिगच्छति उसमें आपको परिश्रम पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मतभाव से अधिगच्छति, इसके साथ अपना नहीं दिल को प्राप्त हो जाता, प्रबुद्ध भाव को प्राप्त हो जाता। तो ये जो पूछा कि भगवान के साथ हमारी एकता है, वो अनुभव में कैसे हो, स्वतः सिद्ध अनुभव में स्वाभाविक स्वतः सिद्ध है परमात्मा साथ। मैं जो इतने दिनों से चर्चा कर रहा हूँ कर्ण निरपेक्ष की बात, तो कर्ण निरपेक्ष में तत्त्वम प्रसाद संशोधन करके, भाग त्याग लक्षणा करके, और जीव ब्रह्म की एकता नहीं की जाती, जीव ब्रह्म की एकता नहीं की जाती है। ये तो स्वतः सिद्ध है, की जाती है कर्ण सापेक्ष है, स्वतः सिद्ध है कर्ण निरपेक्ष। कितनी सुगम कठिनता,
आप अगर स्वीकार कर लें किसी भी होगी, आप स्वीकार नहीं करो तो हमारे हाथ की बात नहीं, किसी की हाथ की बात। देखो एक गीता में पद आया है, सुस्वा पेनम वेदन सेव कश्चित, सुन करके कोई भी नहीं जानता कि अशोका से सुपी एनम वेदन सेव कश्चित, सुन करके कोई नहीं जानता। बोल अब क्या है कोई भी नहीं जान, सुन करके कोई नहीं जान, खत्म ही कर दिया। टीकाकारों को बड़ा बल लगाना पड़ा है, सुन करके कोई नहीं जानता साहब, टीकाकारों को बड़ा परिश्रम पड़ा है, सुनेगा फिर मनन करेगा फिर निर्ध्यान करेगा ध्यान करेगा फिर समाधि होगी तक बदलती एकता होगी उसको अनुभव करेगा तब जाने, पर सुनकर के कोई जानता ही नहीं कि तू कैसे जानता है। आप स्वयं स्वीकार करोगे जानोगे, उपाय नहीं काम के, सुनकर कोई नहीं जानता तो सुन करके आप अनुभव करोगे जान लो, अभी कर लो अभी जान लोगे, देरी से करो देरी से जान जाओगे, जन्मांतरों के बाद जन्मांतर में जाने, जब जानना ही है तो क्यों देरी करो, कभी जाओ जानना पड़ेगा। स्वीकार करेंगे वो सुनकर के ही तो करेंगे, हाँ सुनकर करो तो सुनकर के जानगे, हाँ सुनकर भी जाने स्वीकार करो, सुनने से नहीं जाने, सुन करके स्वीकार किया कर देना, सुनने से नहीं जाने, सुनने पर स्वीकार न करो करो आपकी स्वतंत्रता है, अगर सुनने में तुम्हारे पास न जाओ तो वो सुना ही देगा, क्या काम बंद करो मैं सुन के ले जाऊंगा, स्वयं आप स्वीकार करो तो जान जाओगे, बस अब अभी जाओगे अभी इसी क्षण जाने, अब बाधा लगती ये बाधा लगती है, ये बाधा लगती है, ये हानि हो जाएगी ये नुकसान हो जाएगा, कोई तरह का किस तरह का नुकसान होता हो वो कैसे ही हो, सर्व कैसे ही समर्थ हो कैसे ही नहीं हो, अब मेरी बात माने, अब क्यों जीव में और ईश्वर में पकड़े में पढ़ो, आप उसमें हिंसक में पढ़ो ही ना, उस एकता का अनुभव कैसे हो, ये प्रश्न तो ईश्वर कैसा ही हो आप कैसे ही हो, आप ईश्वर के अंश हैं, गीता कहती है रामायण कहती है वेदा में अमृत से पुत्र उसके अंश होगा, वो तो मैं उत्तर दे दूंगा, तो मैंने भी वेदांत की ग्रंथों की पढ़ाई की, परंतु क्या होगा कोई बातें बातें होगी, मैं बातूनी ज्ञान को इतना आदर नहीं देता, मेरे भीतर में बातूनी ज्ञान का आदर नहीं है, महत्व नहीं, और अनुभव का महत्व है तो सबको मानना पड़ेगा, वो अल्पगिता है वो सर्वगिता है, भागता रचना करो सर्वगिता अल्पगिता सुनो चिदय सुनो एकता करो, क्यों लंबा रस्ता और लो लंबा रस्ता जो अपनी मर्जी है, हम तो कर्म निरपेक्ष कर स्वतः आपका अनुभव मैं हूँ, इसमें मैं पन कर हूँ बना रहा सत्ता वो मैं न रहने से हूँ नहीं रहा है रहेगा नहीं ये ही है, मैं बिना हूँ कैसे होगा आप बताओ, मैं बिना हूँ है होगा
और है ही परमात्मा का स्वरूप, तो एकता आप साहब हो गया। तीनों प्रश्न है कि एकता है परमात्मा के साथ वो कैसे अनुभव में आवे, सीधी बात है, सीधी है ही, करना तो नहीं पड़ता है, ये करना नहीं है। मानी हुई एकता शरीर के साथ है, नाम के साथ है, बल के साथ है, अस्थि के साथ है, जिसको आप दृढ़ कर रहे हो, मेरा नाम हो जाए, मेरी प्रशंसा हो जाए, मरने के बाद मेरा नाम रहे, जन्म के बाद आपका नाम रखा है बाबा, पेट में आपका नाम नहीं था, जन्मने पर भी नहीं। आपकी परिभाषा क्या है? लीगल हो जाए है, कोई जन्म के लीगल हो जाए, अब लीगल है, अब थाने के लीगल तो नाराज हो जाए, दस दिन के बाद नाम करा, घड़ी होगी इतनी पक्की पकड़ लो, है जो पकड़ने में क्या हो रहा है बताओ। और आप ये कह सकते हो हमने सुन लिया मान लिया फिर भी हमारे से पकड़ा नहीं जाता, तो आप पकड़ना चाहते हो कि नहीं, असलियत को चाहते हो कि नहीं, ये मेरा प्रश्न है, ये बताओ। वास्तविकता को पाना चाहते हो कि नहीं, चाहते हो कि ये इनकार क्यों करते हो? कहते हैं इनकार क्या करते, हमारे बुद्धि में अनुभव नहीं है, बैठी नहीं है बात, तो नहीं बैठने का दुख होना चाहिए, नहीं बैठने पर भी सच्ची बात क्या है? आपकी धारणा में मैं शरीर हूं ये सत्य है कि मैं परमात्मा को हूं ये सत्य है? आप अपनी धारणा में तो सत्य क्या है? तो सच्ची बात नहीं मानने में आवे तो इसका दुख होना चाहिए, कम से कम दुख होना चाहिए। वो दुख है क्या? तो दुख नहीं तो सुनता पेन वेदन से कोई नहीं, जिसके मन में गर्ज नहीं गए जाएगा सुनकर कोई नहीं जाने, जिसे गर्ज होती वो जाने। मैंने ये बात भी साफ कही है, कारण नीति क्या है? जहाँ कर्ण नहीं चलता वहां कर्ण निर्देश है, कर्ण जहाँ चलता है वो कर्ण से काम नहीं हो, मना थोड़ी करते हैं, परंतु वहां कर्ण नहीं पहुंचता, कर्ण के द्वारा आप करते हो बहुत देरी हुई, अंत में कर्ण छूटेगा, बुद्धि विकुंठ कारण समाप्त काम हो योग तेरा, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, तो काम नहीं करती उगता कर छोड़ोगे तब प्राप्ति होगी, प्राप्ति कर्म निर्देश नहीं होती तो पहले करो तो क्या है तेरा? आपके जच्चे नहीं है, न जचने पर भी आप लोगों को सत्य बात कि शरीर के साथ एकता ये सच्ची बात नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष में बदलती है, और परमात्मा के अंश हो मैं हूं, गीता कहती है भूत ग्रामा स एव अयम भूतवा भूतवा प्रलीयते, अनादिकाल से प्रलय और सर्ग होता है, महाप्रलय महासर्ग होता है, स एव अयम वही है, भूतवा भूतवा प्रलय भूतवा प्रलय ये शरीर है, अरे भूत ग्रामा सही, तो सच्ची बात भूतवा भूतवा प्रलय होते रहने वाला है, सहयोग है। देखो बातें सीखना हो तो वेदांत पढ़ो, हमेशा मानना चाहिए,
सीखी वाली बात है कि देखो भाई मेरे को सीखने से संतोष होगा, पढ़ाई करने हमें संतोष नहीं, सीखने से संतोष नहीं, सीखने से संतोष नहीं होता। पर धन की बातें किए घर की भूख हुआ, घर की भूख जल जाए जो धन आ गया। एक आपको बात बताऊं, आप ध्यान दे तो इसलिए हमारे ईश्वर जीव प्रकृति और संसार ये सब हमारे बुद्धि का विषय है। सुनते हैं सीखते हैं बुद्धि का विषय करते हैं, बुद्धि का विषय ईश्वर है, बुद्धि का विषय जीव है, बुद्धि का विषय प्रकृति है, बुद्धि का विषय संसार है और बुद्धि है प्रकृति का कार्य। उस बुद्धि का विषय ईश्वर है, आप ईश्वर बुद्धि का विषय है, पढ़ने वाले सब बुद्धि का विषय बनाते। आप इतने पढ़ लिखो बताओ मेरे को जोर से बताओ, मैं बुद्धि का विषय नहीं बनाते बोले। ईश्वर को बुद्धि का विषय बनाते हैं, कोई बताओ बुद्धि का विषय नहीं बनाते। अब बुद्धि का विषय तुम्हारे ईश्वर क्या निहाल करेगा? बुद्धि तुम्हारी तेज बुद्धि के अंतर्गत आने वाला ईश्वर आपका निहाल कर देगा आपको? उससे तो बड़ी बुद्धि है जो आपके पास है, फिर बुद्धि के अंतर्गत आने वाला ईश्वर क्या निहाल करेगा? और क्या वो एकता निहाल करेगी? बुद्धि का विषय वो बुद्धि का विषय नहीं है, बुद्धि सीमित है, वो असीम है। तो सीमित बुद्धि असीम को कैसे पकड़ेगी? जितने पढ़ाई करते हैं सबके सब ईश्वर को प्रकृति को जीव को सबको बुद्धि का विषय बना। आप बताओ इतने आप पढ़े लिखे हो समझदार हो, मुझे को बताओ क्या बुद्धि का विषय नहीं बनाते हैं? तो बुद्धि का विषय बनाते ये है कर्ण सापेक्ष साधन, और बुद्धि का विषय न बना करके स्वयं है कर्ण निरपेक्ष। कर्ण निरपेक्ष का अर्थ ये नहीं कि आप कर्ण को बिल्कुल काम में मतलब परे रखेंगे, नहीं है, कहीं के भरोसे मत रहो, ये तात्पर्य। कर्ण को काम में मतलब ये तात्पर्य नहीं, पर कर्ण के द्वारा सिद्ध होने वाला ही तत्व है, ये बिल्कुल गलत, ये कर्ण निर्देश का तात्पर्य। कर्ण के साथ विरोध नहीं है, ये तो काम हो गया, पर इनके भरोसे मत रहो। अब बोलो स्वतः सिद्ध एकता परमात्मा के साथ है, वो करनी नहीं पड़े। वेदांत के ग्रंथों में जोर दिया है कि एकता किए बिना मुक्ति नहीं होती। अरे करी हुई एकता कितने दिन चलेगी? सब वो भूलिया सब एकता के लिए जाएंगे, मत पढ़। मैं शरीर इंद्रिया अंतर्गत ये मैं नहीं हूं, ये शक्ति बात को आप पकड़ो, तो क्या हूं आप सब पढ़ो आप कहते है वो तोड़ आ जाएगी। अब जहाँ लड़ाई करते द्वेष है, द्वेष है, विशिष्टता द्वेष है, शुद्धता द्वेष है, विविधता द्वेष है, क्या है? ये मैं नहीं हूँ सब कह एक मत अद्वेत शुद्धा द्वेष विशेषता द्वेष वाय सब ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये संसार मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, इसमें एक मत है सब, एक मत उस बात में मतांतर में पढ़ करके क्यों दिखा देता हूँ? इसमें शंका हो आप पूछो
उनका संदेह हो निसंदेह हो गया तो काम होता है। अब एकता का अनुभव कैसे हो ना, एकता का अनुभव कैसे हो ना, एकता कैसे करें आपके साथ एकता, इसका अनुभव कैसे हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन बतावे, कैसे हो, ये लगन लगन से हो जाएगा। केवल आपकी लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सो नारायण, जिस लगन में तन मन बीजे, नारायण हरि भजन में ये पांचों स्वाद, विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत गोपाल, मन में लागी चतप्रति कब निरखू घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान घुसना, ये सब खाना पीना घुसना नींद आदि, ये स्वाद में ये पांचवा न सुहाग, ये स्वाद में जब तुम इसके पीछे पड़ो, धर्म होना चाहिए, नाम होना चाहिए, आदर भी होना चाहिए, मेहमान होनी चाहिए, गरीब होना चाहिए, ये तो मिलेगी नहीं, वंचित रह जाओ तब तो सही लगेगा, ये तो मिलेगी, मिलेगी थोड़ी सी मिली कुछ बात, कोई फायदा नहीं मिलने से क्या होगा, हमारा नाम बड़ा हो क्या मिलेगा। मेरे मन में तो आई है कि अभी अगर कालिदास जन्म ले तो संस्कृत हो जाए विद्वान और काव्य रचना करे, खूब संस्कार नहीं काव्य रचना करे तो कहते वाह बड़ी सुंदर कविता, ऐसी कविता बड़ी सुंदर, कोई कहता था ये तो कालिदास के चक्कर की कविता, दूसरा कहता है कालिदास उसकी प्रसिद्ध बहुत पहले से, उसकी बड़ी कविता अच्छी, कविता तो अच्छी है पर कालिदास तो जो कविता करते उसे कहता है कालिदास दुष्ट कौन हो गया है, तो मेरी बाधा देता है, मेरी कविता कम बनाती है, क्या कम है, कौन दुष्ट होगा, मारवाड़ी कहते आप कमाया कामड़ा कहीं मेरी जगह खोजे दीदी पाला दीदी कांडे दीदी खोज, आप कमाया कामड़ा आप रिजाना दीदी आप ही नाम गुरी है संसार, संसार में वाह वाह नाम कई कालिदास है, कुशमेश चंपा नदी सुगंगा गंगेश, कुशमेश चंपा नगरी सुलंका नदी सुगंगा त्रिदेश रामा यो सुरंगा पुरुषेश विष्णु काव्येश माधव कई कालिदास है। कौन कविता करे ठीक नहीं, मैंने खुद में यह बात है और दुष्ट कौन था कालिदास, सुहाती नहीं थी कहीं मेहनत कर बनाई आपने बिल्कुल संसार की ऐसी है भाव ऐसी खुद की आप बांध लेने वाले दुख लेने वाले शेर ये सारे बात ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं, ये मेरे बहुत सीधी बात, बहुत सरल बात, अब इसका अनुभव नहीं हो उसमें चटकती आपकी खुद की लगन चाहे वो दूरी की बात नहीं, जैसे मेरे को भिक्षा आप देते हो दे सकते हो पर भूख भी आप दोगे क्या, भूख तो घर की चाहिए और सब कुछ प्रबंध कर देगा, जैसा चाहो वैसा बना दो ला दो दे दें, परंतु भूख भी दे दो, ऐसे इसकी जिज्ञासा इसकी इसको धारण करना ये तो आपको ही करना पड़ेगा,
सामग्री पूछो, युक्ति पूछो, संदेह सामने रखो, कठिनता सामने रखो, उस पर विचार करें। अगर ये विचार है कि भगवान के साथ एकता हो, तो एकता स्वतः सिद्ध है। आप मानवीय एकता को मिटा दो है भी सिद्ध, और मानी हुई आपकी है ये मिटाना आपको ही पड़ेगा। मदद संतों से, महात्माओं से, गुरुजनों से, ग्रंथों से, भगवान से मिल जाए, स्वयं तो आपको कि गुरु कृपा से मिल जाए, गुरु कृपा से मिल जाए। पर गुरु आप मानोगे तो गुरु मानेगा आपको से ना। बस तो आप पर आई अंत में गुरु भी आपका ही बनाया हुआ, तो ये आप विचार सुनो। आप नहीं वह आत्म रात नहीं वह अधिकार, आप ही अपना मित्र, आप ही अपना दोस्त, आपको ही करना है तो देरी क्यों तो होता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अगर ये न होता हो तो मनुष्य जन्म सार्थक किस बात में आप रखते, सत्संग सुनने वाले हो, व्याख्यान सुनने वाले, कथा सुनने वाले हो, अगर ये बात आप नहीं कर सकते तो मनुष्य की महिमा किस बात में। मनुष्य जन्म की महिमा इसी बात को लेकर के है, भाई वो बहन वो कोई यहाँ कोई फर्क नहीं, पढ़ा लिखा हो, अपढ़ हो, बालक हो, जवान हो, बुढ़ा हो, कैसे क्या हो, कैसी परिस्थिति में हो, धनी है, गरीब है, कैसा, ये परिस्थितियां कुछ उधर मूल्य नहीं रहेगी, परिस्थिति संसार में मूल्य रखती है, परमात्मा की यहाँ परिस्थिति नहीं चलती, योग्यता नहीं चलती, यहाँ केवल आप चाहिए जन्म हो जीव हो, जब ही के जन्म को अविनाश ही तब सन्मुख होना विमुख होना ये आपके हाथ की बात। और संसार के सन्मुख होकर आज दिन तक लाज लिया ले लिया, अब क्या बाकी रहेगा, अब ये भी देखो, नहीं तो कुछ समय बांध दो है तो गलती की बात है, समय बांधोगे सही नहीं रहेगा तो क्या पता, पांच चार महीना, एक दो वर्ष, तीन वर्ष बांध दो, इतना देखो फिर संसार देखें फिर ये करेंगे, तो पता है नहीं गलत, तो पहले ये कर लो, बाधा लगेगी संसार की उन्नति में, लगो तो बाधा लगेगी, इस उन्नति में संसार में बाधा नहीं लगेगी, संसार का काम सुगम होगा, इस काम के करने से संसार सुगम होगा, सुगम इसमें तत्परता से लग जाओ कि जो संसार की मेहनत करने से चीज नहीं मिलती वो चीज आपके सामने हाजिर हो जाए, तो लोग की भी हानि नहीं है। लाभ है लोग, चिंता नहीं करने पर ये चीज आ जाएगी। कल बताया था धान नहीं धीरो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीवन बैठ रामदास आन बजे सब थोक, घर में धान नहीं, गाय भैंस धीरो नहीं रुपयो रोक, भोजन के बैठे सब थोक, बढ़िया बढ़िया चीज आ गई, उत्तम से उत्तम शुद्ध पवित्र अच्छी स्वास्थ्य प्रभ, स्वयं मैं स्वयं आप मेहनत करके इतना नहीं जुटा सकते, इतनी सामग्री केवल इस तत्व को आप जाने का, इस तत्व में लग जाओ रात दिन, मिलेगी अरे नहीं मिलेगी तो क्या हो गया, रोटी भी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, मर जाओगे तो मरता रोटी खा कर लो मर गई, भूखा ही मरना ही सही, तब तो मिल जाए, कोई हानि नहीं हो,
यानी हानि हो तो स्वीकार कर दूंगा, मैंने हानि से स्वीकार, मर जाएंगे बिना अन्न के कोई बात नहीं, अन्न खाकर की मरना ही है, मरने से अधिक बहानी भी है नहीं। ये तो नहीं है कि इसमें लग गया तो घर काम चले जाओगे, दुर्गति हो जाएगी, ये तो होगा नहीं। हानि क्या, लाभ लाभ। और जिसकी विमुखता है इसको न लेना है, लाभ क्या है बताओ, क्या लाभ करेगी, क्या नाम बरी कर दोगे, बड़ा भारी नाम हो जाएगा, क्या मिलेगा आप। जैसे कालिदास का नाम है वो कालिदास खुद करे, खुद कर बाधा आफत हो रही है, क्या काम आ रहा है नाम बताओ, खुद भी बात बोल रहे हैं, क्या लाभ हो रहा है। थोड़ा सा विचार करो, गहरा सोच और संकल्प अभाव बोलो, बाधा उसको बोलो, नुकसान होता हो तो बोलो, अरे कसम तेरा समझ में नहीं आ रही तो बोलो, शंका करो, गुण ही गुण में बरत रहे हैं, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही है, ये बात जो कही है उसके पीछे प्रेरणा तो चेतन का ही होगी ना। हाँ तो चेतन की होगी कि नहीं होगी, जब आप तू जाओ गुणा गुणे सु वर्तन से शक्ति है, दूसरी इंद्रिया ने इंद्रिया के सुवर्तन से दूसरी एक शक्ति है। मैं कहूँ सच्ची बात मान लो, आप आगे क्यों जाओ, वो तो मेरे जैसे पढ़ाई की मैं कह दूंगा, मेरे तोते की तरह सीखी हुई कई बातें है, तो आप ये जाओ ही इंद्रियाणी इंद्रिया से सुवर्तन थे। देखो स्वयं की प्रेरणा नहीं है और है, पर उसमें आप पढ़ो क्यों, गीता साफ कह रही है प्रकृति कर्माणी क्रियमाणी सर्वसा अन्वय शंकर व्यतिरिक से नाइन गुणे व्यय करता रही आगे अधिष्ठा, गुणों के सिवाय अन्य कर्ता को नहीं देखता, गुण को ही कर्ता देखता है। गुण करता है ये बताए, गुणों के सिवाय अन्य कर्ता नहीं है, गुण करते कितने गुणों के सिवाय अन्य कर्ता नहीं है, गुण करता है। क्रिया मात्र प्रकृति के द्वारा होती है, चेतन तत्व है उसके द्वारा क्रिया नहीं होती है। एक प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलती है ध्यान दो, आपको उत्तर देता हूं। अभी दिन में कोई शिकार खेलता है, किसी जानवर को मार रहा है, को बंदूक से मार रहा है, उसे प्रकाश सूरज का है कि नहीं, बिना प्रकाश मार, और एक वेद पाठ कर रहा है गंगा जी किनारे बैठ, तो उसमें भी सूर्य का प्रकाश है कि नहीं, पर वो सूरज कहता है तुम वेद पढ़ो, सूरज कहता है तुम हरी मारो, बताओ आपको क्या बाधा लगी कि चेतन का प्रकाश है तो अच्छी बात है, तो अच्छी बात न तो अच्छी बात, निर्पेक्ष रूप से प्रकाश करना, ना तो कह भी तुम्हारी मारो, ना कह तुम देर करो, तुम्हारी मर्जी और सोचा प्रकाश कर, ऐसे उस चित्र का प्रकाश सबको मिलता है स्वतः, उसके साथ एक भी आपकी स्वतः है। इस बार नादत के कश्य पापों में नकली वस्तु वो किसी के पाप और पुण्य ग्रहण करते हैं, अज्ञान नागत ज्ञान तेरे में अज्ञान से ज्ञान तक गया, कोई करे कोई नहीं, आपको क्या मतलब है, मैं कर्ता नहीं हूँ, कर्ता इंद्रियां है, गुण है, प्रकृति है, ये अपने में अहंकार मत,
अनादिस्वाद निर्गुण स्वाद परमात्मा अयम अव्यय शरीर स्थो भी मानते या न करो कि नित्य शरीर स्थो भी मानते न करो कि नित्य इसे न अंक को भाव बुद्धि के शरीर लिखते थे तत्व से मान लो नहंती नहीं मिलते थे कितनी सरल बात इस समझने में कठिन था बाधा लगती है बताओ शंका रहती है बताओ परिसंपरा हो तो बताओ असंभव हो तो बताओ समझ नहीं आ रही नारायण नारायण।